बेरोजगार अध्यापकों ते होए लाठीचार्ज नूं लै के विरोधी धिरां वल्लों पंजाब सरकार ते निशाने साधे गए ने। अकाली दल दे सीनियर आगू प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घर घर रोजगार देने की गल की सी, जो हुण नौजवान रोजगार मंग रहे ने तां उहनां नूं बुरी तरह कुटमार करके जलील किया जा रहा है। अज मैं समझदा कि बड़ी चिंता वाली गल आ, बड़ी दुख वाली गल आ कि पटियाला शहर जो मान जो मुख्यमंत्री साहब का शहर आ, वो शहर अज डांगा सोटियां ते दहशत के माहौल दे विचों लंघ रहा और पानी दियां बछाड़ां पुलिस दियां डांगा नित दिन खास तौर पर अध्यापक वर्ग ते वरस रहियां ने और अज तो नवेकली घटना जिहड़ी वापरी आ उन्हें तो साढ़े सारिया के हिरदे हरूमते और एक गल स्पष्ट करती कि किन्ने तंग ने किन्ने परेशान ने बच्चे साढ़े जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग ली हुई आ उन्होंने नौकरियां नहीं मिल रही। जे भाखड़ा नहर में छाल मारन तक चले गए, भाखड़ा नहर च छाल मार के अपनी जान गवाउण तक की नौबत पहुँच गई, तुसीं आप हिसाब ला लो किन्नी तंगी ते परेशानी साढ़े नौजवान वर्ग के खास तौर पर पढ़े लिखे वर्ग के रुजगार लैण लई आ। ये घर घर नौकरी देण दे लारे ते एक बहुत वड्डी फटकार आ और बहुत वड्डा कलंक आ और असी आस करते हैं वाहिगुरू अगे परमात्मा अगे कि जिन्हां बच्चों ने नहर में छाल मारी जज्बाती हो के दुख तंग परेशानी करके उन्हां दी जान बच सके और उन्हां दे जिहड़े संघर्ष आ उहदे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं समझ आ सके, उन्हां दी गल पूरी हो सके। दूजे पासे साबका मंत्री जगमीत बराड़ वल्लों भी इस घटना की निखेधी की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नूं अपने वादे मुताबक नौजवानों नूं नौकरियां देनियां चाहीदियां ने, नहीं तो लोग आउंदियां विधानसभा चोणां च कांग्रेस का बुरा हशर करनगे। ये बहुत अफसोसनाक गल है क्योंकि पहले तो पंजाबी यूनिवर्सिटी की हालत मुख्यमंत्री साहब का ये एक तरह ना अपना निवास अपना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने आपका पटियाला घर तो यूनिवर्सिटी का इन्ना माड़ा हाल हो जाना ये शो करता है कि कितना कंसर्न है उन्होंने एजुकेशन प्रति। जितों तक ये मूवमेंट का सवाल है कितनी देर तो ये चल रही है और दो बच्चे उपर भी चढ़े हुए हैं रोज़ रिपोर्टां, मैं समझना कि इमीडिएटली अगर गवर्नमेंट नूं थोड़ा मोटा भी कंसर्न है विद एजुकेशन और पंजाब के लोगों नाल तो उन्होंने तुरंत इंटरवीन करके ये मसले को हल करना चाहिए। लेकिन रोज़गार की गल की थी घर घर रोज़गार जे मंग लेके अपनी बेरोज़गार टीचर आने तो उन्होंने पहला लाठीचार्ज होंगे जी सीएम के शहर च, फिर उस तो बाद जोड़ा नहर के छाल मारते हैं सर, कई की हालत जी नाजुक है जी हाले भी। मेरा कहना मतलब है कोई कंसिडरेट ही नहीं है कि इस दुखदाई सारे हालात बारे कोई ना कोई हमदर्दी तो करुणा होवे सरकार दे विच किसी भी बंदे विच किसी भी ऑर्गनाइजेशन दे बंदे विच और मिनिस्ट्री दे विच किसी नू ए नहीं है हमदर्दी कि ब्रिज बन के मसले नू हल किया जाए। सो ये तो रोज़ जिस तरह अनफॉर्चुनेट खुदकशियां का दौर चल रहा है उस तरीके ना एजुकेशन का तो विद्या विचारी तो परोपकारी सब तो इस वेले रसातल ਵੱਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਖਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਟੀਚਿਊਡ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ।